देखिए, दो चीज़ें स्कूलों की बहुत ज़्यादा समस्याग्रस्त आ रही थी सहारनपुर में। पहली चीज़ ये थी कि जो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे गाड़ियों में बैठ करके जाते थे, तो एक दो बार एक्सीडेंट भी हुए, कभी माइनर इंजरीज भी हुई, एक बार दो बार कुछ ज़्यादा डेथ के केसेस भी आ गई। तो उनको पहले जो समझाया जाता था, उसके बाद उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए, और उनकी जो बसेस चलती हैं या उनके जो प्राइवेट टैक्सीज उनके साथ लगी हैं, उनके ऊपर सख्त अभियान चलाया जा रहा है। बताएंगे कि आप स्कूलों में किस तरीके की स्कूलों में जितने भी हमारे सहारनपुर में ये इंग्लिश मीडियम है, एक तो फीस बहुत ज़्यादा होगी। अगर हमारा बच्चा 5वीं से लेकर 9 तक के बच्चे की फ़ीस लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये महीना फीस बैठ रही है। रही किताबें, किताबी भी स्कूल वाले अपने ही उपलब्ध करा रहे हैं। अब अगर उन पर कहा जाता है तो उन्होंने अपनी ही दुकानें चिन्हित कर दी कि वहाँ से बुक्स लीजिए, जो कि बुक्स अगर मार्केट में 20 रुपये की हो सकती है, ये 50-50, 80-80 रुपये की बुकें दे रहे हैं। यानी कि पूरा कोर्स अगर देखा जाए 4 से 5 हज़ार रुपये का बैठता है 5वीं क्लास के बच्चे का। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्होंने खुली लूट मचा रखी है। इस कार्रवाई के बाद से स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी की यह पहल कितनी कारगर साबित होती है, यह देखने वाली बात होगी। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।